नारायणगढ़ में नहीं थम रहा चोरियों का दौर। पिछले कुछ दिनों से चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस नतमस्तक नजर आ रही है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पिछले 3 दिनों में चोरों ने 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दे डाला। मंगलवार की रात राजकीय राजमार्ग नंबर 1 के साथ लगते लिंक मिल्क रोड पर 13 दुकानों के ताले तोड़े गए। दुकानों के ताले टूटने से दुकानदारों में काफी रोष है। सबसे व्यस्ततम इस मार्ग पर इस तरह से 1-2 नहीं बल्कि 13 दुकानों के शटर तोड़े जाना बेहद चौंकाने वाला है। जिन दुकानों के ताले तोड़े गए, चोर वहां से गल्ले में पड़ी राशि ले जाने में कामयाब रहे। कुछ मेडिकल स्टोर्स में से गल्ले में पड़े हुए रुपए भी गायब मिले। एक बुटीक से लगभग 5,000 की राशि चोरी हो गई। वहीं विशाल भोजनालय नामक दुकान से एक मोटरसाइकिल गायब होने के साथ व पतंजलि सेवा केंद्र से भी दुकान में गल्ले में पड़ी राशि चोरी होने का समाचार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजकीय राजमार्ग नंबर 1 पर स्थित बैटरी की दुकान के मालिक संजीव कुमार दुकानदार ने बताया कि वह मंगलवार की रात अपनी दुकान बंद करके घर चला गया। बुधवार जब सुबह वह दुकान पे आया तो दुकान का शटर और ताला टूटा पड़ा था। इसी प्रकार पतंजलि सेवा केंद्र के मालिक अशोक कुमार ने बताया कि उसे फोन पर सूचना मिली थी कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। उसने भी दुकान में आकर देखा कि दुकान का शटर और ताला टूटा हुआ है। होम्योपैथिक की दुकान करने वाला राकेश ने बताया कि उसे भी फोन पर सूचना मिली थी कि उसकी दुकान का ताला टूटा हुआ है। जब वह दुकान पर आया तो देखा कि शटर और ताला टूटा हुआ है। दुकान में देखने पर करीब 14,500 की नकदी गायब थी। बुटीक की दुकान पर काम करने वाले हाकम खान ने बताया कि उसे जैसे ही दुकान में चोरी होने का पता लगा, दुकान को चेक करने के लिए आया तो चोर गल्ले से 5 से 6 हजार रूपए उड़ा ले गए थे। विशाल भोजनालय के संचालक रतिराम ने बताया कि उसकी दुकान में मोटरसाइकिल खड़ा था, जो सुबह दुकान पर आने पर मोटरसाइकिल गायब पाया गया और गल्ले में रखे 300 रूपए भी चोर उड़ा ले गए। उधर शर्मा जनरल स्टोर के मालिक मयूर शर्मा ने बताया कि जब वह बुधवार दुकान पर आया तो शटर और ताले टूटे मिले। दुकान में देखने के बाद पता चला कि वहां से 5,000 रूपए की नकदी गायब थी। सिंगला जनरल स्टोर के मालिक अजय सिंगला ने बताया कि जैसे ही उसे फोन पर सूचना मिली कि दुकान का ताला टूटा हुआ है, वह दुकान पर आया, वहां पर भी गल्ला टूटा हुआ था। बता दें कि सर्दी और धुंध का फायदा उठाकर 2 दिन पहले भी मोबाइल शॉप में चोरी हो चुकी थी। हालांकि पुलिस उसके आरोपियों को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। उसके बावजूद भी 2 दिन के बाद इस घटना से दुकानदारों में दहशत का माहौल है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस से रात्रि की गश्त बढ़ाने की भी मांग की है। सवेरे 7 बजे एक लड़के ने फोन किया था कि शटर टूटा हुआ है। तब हम आए देखा तो यहाँ कम से कम 10 दुकानों के शटर टूटे हुए हैं और सामान बिखरा पड़े हैं। तो पुलिस के पास गए, पुलिस कहते जी हम जा रहे हैं, आप वहाँ से पर्चा बनाओ और जो सामान उठा है तुम्हारा वो दे जाना, फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। ये आश्वासन हमको प्रशासन ने दिया है। गल्ला ही बाहर पड़ा था बस। अच्छा, और तो बाकी सब कितने पैसे लेके पता है? 5,700 रुपये। अच्छा जी, तो पार्टी में पेमेंट थी, मैंने आई अपनी जगह का, लोग आएंगे यहीं से देखेंगे। ठीक है, तो थाने में दे दीजिए। क्या भगवान का गल्ला वो ले गए, उसमें थे 1100-1200, मतलब 15,000 के नुकसान हुआ। आज न्यूज के लिए नारायणगढ़ से धर्मवीर कौशिक की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।